हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग जाने वाले हैं फैमिली टूर क्यूटी फॉल, रीवा ज़िला, मध्य प्रदेश, और आप लोग को भी दिखाएंगे। अभी बज चुके हैं सुबह के 10। वैसे तो हम लोग जल्दी निकलने वाले थे, बट नाश्ता बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो हम लोग देर से निकले, और अभी हम लोग रास्ते में हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का कितना सुंदर व्यू लग रहा है दूर से। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सुहागी पहाड़, और यहाँ का व्यू इतना प्यारा लग रहा था तो हम लोगों ने गाड़ी रुकवाई और सभी लोग अपनी अपनी सेल्फी ले रहे थे, और छोटी दीदी ब्लॉग शूट कर रही थी। हम लोग थोड़ा बिजी हो गए थे ज़्यादा ही सेल्फी लेने में, क्योंकि दूर से बहुत ही सुंदर लग रहा था पहाड़, और आप लोग देख सकते हैं। हम लोग फ़ोटो शूट करने के बाद फिर से निकल गए थे चलने के लिए, और पहाड़ों के बीच में इतना अच्छा लग रहा था, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, और आप लोग भी देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। पहाड़ों के नीचे एक सुंदर सा गांव था, तो हम लोगों ने फिर से गाड़ी रुकवा कर हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया, और कितना अच्छा लग रहा था। पहाड़ के ऊपर से गांव का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था, और नीचे एक तालाब भी था, और आप लोग देख सकते हैं। सभी लोग फिर से बिजी हो गए थे फ़ोटो खींचने में। हम लोग फ़ोटो खींचने के बाद फिर से निकल गए थे गाड़ी में आगे चलने के लिए। क्यूटी फॉल थोड़ा अभी दूर था, तो हम लोग पहले पहाड़ के पास ही रुककर फ़ोटो खींचने लग गए थे, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो रास्ते में चलते चलते सभी लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, क्योंकि सभी ने सुबह नाश्ता नहीं किया था, बस हम लोगों ने बना कर रख लिया था। और हम लोग
ऐसी जगह देख रहे थे जहाँ पास धूप नहीं लगे और हम लोग रुक सकें। तो हम लोगों ने एक पीपल के पेड़ के पास अपनी गाड़ी रोकी और सभी लोग रुक गए नाश्ता करने के लिए। मम्मी और छोटी वाली दीदी नाश्ता निकाल रही थी। हम लोगों ने नाश्ते में आलू की कचौरी और वड़ा और चाय भी बनाया था। बड़ी वाली दीदी ब्लॉग शूट कर रही थी और मम्मी दीदी निकाल रही थी, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। नाश्ता करने के बाद फिर से निकल गए थे क्योंकि अभी ब्यूटी फॉल बहुत ही ज़्यादा दूर था। चलिए चलते हैं। फाइनली हम लोग ब्यूटी फॉल पहुँच चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ का नज़ारा है। और चलिए चलते हैं, आगे चलकर दिखाते हैं आप लोगों को। भैया झरने के पास खड़े हुए थे और मम्मी बहुत ज़्यादा उनको डांट रही थी कि इतना पास मत जाओ नहीं तो गिर जाओगे। वैसे मैं आप लोग को बता दूँ, पानी के नीचे इतना सुंदर रेनबो बन रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था।
और आप लोग देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। हम सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। अगर आप लोगों को भी हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर। बाय गाइस।